ये है योग्राम पतंजलि का कैंटीन। बहुत बड़ा कैंटीन है, एक साथ 1,000 से भी अधिक लोग खाना खा सकते हैं। 150 से भी अधिक यहाँ पे टेबल लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा चेयर खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ बैठ के खाना है। ये भैया के हाथ में आप देखिए डाइट चार्ट है, इसी डाइट चार्ट को कैंटीन वाले को दिखाना होता है तभी हमें खाना मिलता है। जैसे ही हम योग्राम आते हैं ना, तो डॉक्टर डाइट चार्ट देते हैं कि हमें कब और क्या और कितना खाना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड लाइन लगा हुआ है और उनके हाथ में है डाइट चार्ट। यही डाइट चार्ट कैंटीन वाले को दिखाएंगे तो उनको नाश्ता मिलेगा। तो नाश्ते में क्या मिला है वो चलिए दिखाती हूँ। नाश्ते में मिला है फल, एप्पल और 5 तरह का ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे 2 तरह के फल दिए जाते हैं, या तो एप्पल या तो पपीता, ज़्यादातर यही होता है। ये 2 फल के अलावा अगर कुछ दे दिया गया तो कभी वाटरमेलन दे दिया जाता है। और फल के साथ नमक नहीं देते, कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही फल खाना चाहिए और फल में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, खजूर है, अखरोट है, ये भिगोया हुआ है और ज़्यादातर लोगों को नाश्ते में यही नाश्ता मिलता है। इसके अलावा सिर्फ कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ये फल नहीं दिया जाता है, जिसको सूट नहीं करता है। तो अगर आपको ये फल और ड्राई फ्रूट सूट नहीं करता तो आप डॉक्टर को बोल दीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग आपकी बीमारी के हिसाब से डाइट लिख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबके पास एक जैसा थैला है। तो जब हम योग्राम आते हैं ना, तो हमको सामान परचेज करना होता है, इस सामान के साथ हमें ये थैला मिलता है। तो देखिए थैले में नाम लिखा है अर्चना, जो आपका नाम रहेगा और रूम नाम रहेगा, रूम का जो नंबर रहेगा वो थैले में लिख देते हैं, ताकि अगर ये गुम हो जाए तो हमें आसानी से ये थैला मिल जाए। इस थैले में ट्रीटमेंट का सारा सामान रखा होता है, जिसको लेकर के हर जगह जाना होता है।